12 नवंबर 2023, जिस दिन हिंदुस्तान के सभी लोग दिवाली मना रहे थे, उसी दिन देश के कोने में 41 मजदूरों के साथ कुछ ऐसा होता है जो दिवाली की खुशी गम में बदल देता है। एक्चुअली दिवाली के दिन सुबह में ये न्यूज आती है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में खुदाई हो रहे टनल में 41 मजदूर मलबे गिरने के चलते टनल के अंदर ही फंस गए हैं। शुरू में तो ऐसा लगा कि इस मॉडर्न मशीनरी जमाने में उनको बस कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बट जब रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया तो ये इतना मुश्किल था कि उनको रेस्क्यू करने में 17 डेज लग गए। रेस्क्यू के दौरान एक समय तो ऐसा भी आया जब लिटरली मशीनें काम करना बंद कर दी और रेस्क्यूअर्स का उम्मीद टूटता गया। बट तभी 12 लोगों ने एंट्री मारी और कुछ ऐसा किया जिनके काम ने उन सभी 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला। आखिर कौन थे वे लोग, आइए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं कि एग्जैक्टली आखिर वो टनल कोलैप्स क्यों हुआ, मजदूर टनल के अंदर फंसे कैसे और इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उनको रेस्क्यू करने में 17 डेज क्यों लग गए। कहानी को शुरू से शुरू करें तो इस टनल को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया जा रहा था चार धाम प्रोजेक्ट के तहत। एक्चुअली चार धाम प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 2016 में रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था उत्तराखंड में 889 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाना और उत्तराखंड में मौजूद चार पवित्र स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को रोड के थ्रू जोड़ना, ताकि श्रद्धालु किसी भी सीजन में उन स्थलों का यात्रा कर सके। बिकॉज होता क्या है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है और विंटर सीजन में वहाँ इतनी ठंड और बर्फ गिरती है कि पूरे विंटर सीजन उन स्थलों को बंद रखना पड़ता है। बट इस प्रोजेक्ट के बाद कोई भी किसी भी सीजन में यात्रा कर सकता था। एंड इस चार धाम प्रोजेक्ट को तीन एजेंसीज मिलकर बना रही थी। पहला उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दूसरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, तीसरा नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL। खैर अभी जो टनल कोलैप्स हुआ था वो बन रहा था सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच। इस टनल के बन जाने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री का डिस्टेंस 26 किलोमीटर से कम हो जाता और घंटों की दूरी लोग बस कुछ मिनटों में ही तय कर लेते। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होने से पहले ही वो टनल कोलैप्स कर गया। दरअसल जैसे कि मैंने बताया कि ये टनल उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव से डंडल गांव के बीच बन रहा था, तो सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर की है और 14 मीटर चौड़ी है और उसकी खुदाई दोनों तरफ से चल रही थी, मतलब सिलक्यारा से भी और डंडल गांव से भी। सिलक्यारा की तरफ से 2.5 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी थी, दूसरी तरफ डंडल गांव की तरफ से 1.5 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी थी। बस यहां पे 500 मीटर खोदना बाकी था। तो उस दिन भी यानी 12 नवंबर दिवाली के दिन भी मजदूर दोनों तरफ से टनल के इस बचे पार्ट की खुदाई करने गए थे। नाइट ड्यूटी थी तो रात भर खुदाई किए और सुबह को जब घर लौटने वाले थे तब सिलक्यारा की तरफ निकलने वाले बाकी मजदूर तो टनल से बाहर निकल गए, बट और 41 मजदूर अभी निकलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे तभी अचानक ऊपर से पहाड़ के मलबे टूटकर गिर गए और उन वर्कर्स के सामने अब 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और वो 41 वर्कर्स बीच में ही करीब 500 मीटर के एरिया में फंस गए। ये मलबा सिलक्यारा साइड से करीब 205 मीटर अंदर गिरा था, मतलब डंडल गांव की तरफ से अभी 500 मीटर टनल काटना बाकी ही था, तो उधर से तो रास्ता ब्लॉक ही था एंड इधर सिलक्यारा की तरफ भी मलबा गिरने के चलते इधर का भी रास्ता ब्लॉक हो गया, मतलब अब वर्कर्स के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब आमतौर पे जब भी कहीं टनल बनता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे एक्स्ट्रा ब्रांच टाइप टनल बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस ब्रांच टनल से इजिली निकला जा सके। बट पता नहीं क्यों यहाँ इतने लंबे टनल में एक भी ब्रांच टनल नहीं बना था। मीन्स अब वर्कर्स बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, अब जो करना था बाहर के लोगों को ही करना था। इधर बाहर जैसे ही इस प्रोजेक्ट को संभालने वाली एजेंसी को इस हादसे के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को कॉन्टेक्ट करके रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। सिलक्यारा की तरफ से गिरे मलबे में खुदाई तो चल ही रही थी, बट इसके अलावा रेस्क्यू टीम तीन अलग अलग जगहों से खुदाई कर रही थी। एक पहाड़ के ऊपर से वर्टिकली काटा जा रहा था, एक रब्बल के थोड़ा आगे से और एक डंडल गांव की तरफ से बचे हुए पहाड़ को काटा जा रहा था ताकि एक तरीका फेल हो गया तो दूसरा या तीसरा काम आ जाए। खैर अंदर फंसे वर्कर्स के लिए एक राहत थी कि अंदर पानी और बिजली का सप्लाई था। बिकॉज क्या होता है कि जब भी टनल बनता है तो साथ में पानी और बिजली के कनेक्शंस होते रहते हैं, बट दिक्कत ये थी कि अंदर ऑक्सीजन की कमी थी और खाने को कुछ नहीं था। इसलिए रेस्क्यू टीम क्या करती है कि तुरंत टनल में पहले से ही लगे दो पाइप्स के थ्रू ऑक्सीजन और खाना भेजना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन भेजने के लिए कुछ ऐसा कॉम्प्रेशर मशीन लगाया गया था और इनिशियली खाने में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जा रहे थे, बट बाद में एक 6 इंच का पाइप इंसर्ट किया गया जिसके थ्रू गर्म खाना भी भेजा जाने लगा।
अब वर्कर्स के पास आसानी से ऑक्सीजन और खाना तो पहुंच रहा था, बट मेन समस्या थी वर्कर्स को सेफली बाहर निकालना। रेस्क्यू टीम का पहला प्लान था कि मलबे को बड़े बड़े जेसीबी की सहायता से हटा दिया जाएगा, बट जैसे ही मलबा हटाया जा रहा था ऊपर से और मलबे गिरते जा रहे थे, जिससे रेस्क्यूअर्स को समझ आता है कि इससे बात नहीं बनेगी, कोई दूसरा तरकीब निकालना पड़ेगा। एंड दूसरा तरकीब निकालते हैं मलबे के बीच से एक छोटा सा टनल बनाने का तरकीब। प्लान बना कि 57 मीटर वाले इस मलबे को खोदकर 900 mm का पाइप डाला जाए जिसके थ्रू वर्कर्स निकल सके, और उसके लिए उन्होंने ऑगर ड्रिलिंग मशीन के थ्रू मलबे में होल करना शुरू कर दिया। करंट ऑगर मशीन से रेस्क्यूअर्स सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए 15 नवंबर को दिल्ली से एक एडवांस्ड ऑगर मशीन मंगाकर उससे ड्रिलिंग किया जाने लगा। 17 नवंबर तक ये न्यू ऑगर मशीन उस रबल के अंदर 24 मीटर तक खोद चुकी थी और 4 पाइप डाल भी चुकी थी, बट 5वें पाइप डालते वक्त एक ऑब्स्टेकल आता है जहां पे ये मशीन फेल हो जाती। फिर उसी दिन इंदौर से एक दूसरी हाई परफॉर्मेंस ऑगर मशीन मंगाई गई और ड्रिलिंग शुरू की गई। दिन बीतते जा रहे थे बट कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए 20 नवंबर को एक इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अनोर डिक्स को बुलाया गया, जिन्होंने मिशन को लीड करना शुरू किया। एंड 20 नवंबर को रेस्क्यूअर्स ने ऑक्सीजन भेजने वाले पाइप के थ्रू एक एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा और वर्कर्स का पहला वीडियो रिलीज किया, जहां पे दिख रहा था कि वर्कर्स फूड सप्लाई रिसीव कर। 22 नवंबर तक ऑगर मशीन उस रबल को 45 मीटर तक खोद चुकी थी एंड बस और 12 मीटर खोदना बाकी था कि अचानक ऑगर मशीन एक रॉड के कॉन्टेक्ट में आ जाती है और उसका ब्लेड टूट जाता है और वो खराब हो जाता है। असल में जब टनल बनाई जाती है तो उसके इंटीरियर सरफेस पे रॉड की ग्रिड लगाई जाती है ताकि पहाड़ के मलबे टनल के अंदर ना गिरे, बट जब बहुत सारे मलबे गिरे थे तो वो रॉड भी टूट गया था जो मशीन से टकराकर मशीन को खराब कर दिया। उसके बाद वहां कोई भी मशीन काम नहीं कर पा रही थी, मतलब अब रेस्क्यूअर्स के पास उसको काटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अनोल डिक्स जो इस मिशन को लीड कर रहे थे वो तुरंत फैसला लेते हैं और कहते हैं कि अब इसको छोड़ो और पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू करो। एंड इस प्रकार 26 नवंबर को पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग शुरू कर दी जाती है। अब यहां से 86 मीटर खोदना था, मतलब अब वर्कर्स को रेस्क्यू करने का दिन और बढ़ता जा रहा था। बट अगले दिन यानी 27 नवंबर को 12 लोग आते हैं जिनको वैसे तो रैट माइनर कहा गया, बट मेरी मानो तो वे लोग असली हीरो थे। असल में वे 12 लोग बारी बारी से उस पाइप के अंदर जाने लगे और उस 12 मीटर बचे मलबे को मैनुअली काट कर बाहर निकालने लगे। पाइप के अंदर इतना भी जगह नहीं था कि वे बैठ कर काम कर सके, इसलिए उनको लेट कर काम करना पड़ रहा था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 28 नवंबर तक मलबे का वो बाकी हिस्सा भी काट कर निकाल दिए। और इस प्रकार 28 नवंबर के शाम 7:56 पे पहला वर्कर रेस्क्यू किया गया। उनको निकालने के लिए एक खास स्ट्रेचर बनाया गया था जिसमें व्हील लगे थे, जिसपे वर्कर्स को लिटाकर रस्सी से खींच लिया जा रहा था, और इस प्रकार सारे वर्कर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, जहां उन 41 वर्कर्स ने काफी बहादुरी दिखाई और बाहर सारे रेस्क्यूअर्स स्पेशली वो 12 रैट माइनर्स, वैसे रैट माइनर उनको कहा जाता है जो कम स्पेस और लेस ऑक्सीजन वाले जगह पे काम करते। खैर सक्सेसफुली रेस्क्यू कंप्लीट तो हो गया, बट एक सवाल अभी भी बाकी थी कि आखिर टनल के ऊपर से मलबा गिरा कैसे। तो एक्चुअली किसी भी पहाड़ के बीच जब टनल बनाना होता है तो उसका प्रॉपर जियोटेक्निकल सर्वे किया जाता है कि वो माउंटेन कहीं कमजोर तो नहीं, और खास तौर पे हिमालयस में जब कोई टनल खोदी जाती है, जो कि ये सिलक्यारा टनल ऑफ कोर्स हिमालयस में ही खोदी जा रही थी, तो इसका तो जियोटेक्निकल सर्वे कराना मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है जो बनी है, जो आज से जस्ट 45 मिलियन साल पहले बनी थी। मतलब बाकी जितने भी माउंटेन से उन सबके कंपेरिजन में हिमालयस माउंटेन सबसे बाद में बनी है, और जो यंगेस्ट माउंटेन होती है उनका लैंडस्लाइड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली उस पार्ट पे ज्यादा होता है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई होती है। तो इसलिए हिमालय जैसे यंगेस्ट माउंटेन का एक्यूरेटली जियोटेक्निकल सर्वे कराना बहुत जरूरी है। पता नहीं इसका सर्वे हुआ है कि नहीं, हालांकि इस टनल के कोलैप्स होने का जो एक्चुअल वजह है उस पे अभी जांच बाकी है, और इसलिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि ये टनल बना रही थी वो भी जांच करवाने की तैयारी में है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तब तक के लिए इन वीडियोस पे क्लिक करके ऐसे ही और थ्रिलिंग वीडियोस देख सकते हो। बाय।